हेलो दोस्तों दोस्तों मेरे पास एक आकाई का 32 इंच का एलईडी टीवी आया है। इसका प्रॉब्लम है कि ये नो डिस्प्ले में जा रहा है। तो कस्टमर का कहना है कि ये जो टीवी है पहले एक टेक्नीशियन को दिखाया था, उसके बाद भी सॉल्व नहीं हुआ है। वो टेक्नीशियन कहे कि ये डिस्प्ले ख़राब है और डिस्प्ले चेंज करना पड़ेगा, उसमें 7-8 हज़ार रुपये लगेगा। तो वो कस्टमर मेरे पास लेके आया और मैंने जब खोल के देखा कि ये जो डिस्प्ले है वो दोनों तरफ कट किया है। दोस्तों नो डिस्प्ले रिलेटेड मैंने अपनी चैनल पर एक वीडियो डाला है, पहले वो जाकर देखिए तो आपको पूरा बात क्लियर हो जाएगा। दोस्तों पहले हमें ये यहाँ पर जो LVDS के इसका स्केलर का जो VCC पॉइंट होता है वो मापना है। देखिए हमारा 12 वोल्ट ठीक है। इसके बाद जो है हमारा 1.8, 3.3 वो मापना है। देखिए 1.8 भी ठीक है। अब 3.3 जो है वो ठीक करना पड़ेगा, पहले चेक करना पड़ेगा। अब 3.3 को हमें चेक करना है। देखिए 3.3 है। अब हमारा जो AVDD और VGH वोल्टेज है, देखिए VGH वोल्टेज नहीं है, हमारा AVDD नहीं है, ये सब सारे बूस्ट जो वोल्टेज है वो नहीं बन रहा है। तो पहले एक काम करना पड़ेगा, आपको लाइन को ऑफ करना पड़ेगा। ऑफ करने के बाद ये काला कॉर्ड जो है मीटर का, वो AVDD का जो पॉइंट है, AVDD के पॉइंट में आपको रख देना पड़ेगा। रख देने के बाद आपको टीवी को लाइन देना पड़ेगा। लाइन देने के बाद दोस्तों आप एक चीज़ गौर से देखिएगा कि हमारा जो वोल्टेज है वो आकर 1 सेकेंड मिली सेकेंड में चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं फिर एक बार मैं दिखाता हूँ। दोस्तों शायद आपने देखा होगा कि हमारा जो वोल्टेज है वो एक बार आके ही चला गया। इसके मतलब हमारा जो कॉफ है या डिस्प्ले है वो शॉर्ट है, नहीं तो हमारा ये सारे जो PF है वो ख़राब है। तो पहले हमें PF को मापना पड़ेगा। जो हमारा ये VGH के PF है पहले वो मापना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर PF शॉर्टिंग नहीं है। ये सारे के सारे PF आपको चेक करना है। ये सारे के सारे PF हमें चेक करने के बाद ये जो AVDD वाला PF है, AVDD ग्राउंड के साथ जो AVDD का PF है वो शॉर्ट दिखा रहा था। मीटर में देखिए वो एकदम ग्राउंड के साथ शॉर्ट था। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि ये जो हमारा AVDD के साथ जो दोनों PF है
वो बारीकी से एक एक करके हमें ओपन कर देना है। मैंने ओपन कर दिया है, आप लोग लाइव देख सकते हो। ओपन करने के बाद ये देख सकते हो आप, हमारा जो शॉर्टिंग है वो हट गया है। अब हमें ये टीवी को लाइन देना पड़ेगा। बिना पीएफ लगाने के भी हम चेक कर सकते हैं। टीवी को हम लाइन देंगे, लाइन देने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर जो बूस्ट वोल्टेज है वो रेडी होता है कि नहीं। तो चलिए मैं पहले लाइन देकर दिखाता हूँ आपको। मैंने लाइन दे दिया है, अब स्टैंड बाई रेडी करना पड़ेगा। स्टैंड बाई भी मैंने ऑन कर लिया है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि हमारा एबीडीडी वोल्टेज बिल्कुल रेडी है और वी कॉम वोल्टेज भी रेडी है, सॉरी वी वन वोल्टेज यानी वीजीएच वोल्टेज भी रेडी है। अब हमें ये जो डिस्प्ले है वो आपको मैं दिखाता हूँ कि डिस्प्ले रेडी है कि नहीं। नो सिग्नल लिखा आ गया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। पीएफ मैंने ओपन कर दिया है। पीएफ हम अब लगा देंगे। एक दोस्तों मेरे पास एक स्केलर है, इससे मैंने पीएफ को उठा के लगा दिया। अब ये सेट फिर से मैंने अब ये सेट मैं फिर से आपको चलाकर दिखाऊंगा। स्टैंड बाई को ऑन कर लिया है, ये देखिए ये सेट बिल्कुल रेडी हो गया है। थैंक यू दोस्तों, ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।